Okay, so we have seen a good amount of theory of Newton's laws of motion. आज हम लोग questions solve करना start करेंगे. And just to make you remember, हमने Newton's laws of motion में अभी तक friction include नहीं किया है. Friction हम बाद में include करने वाले हैं. So whatever questions we will be solving will be temporarily without friction. First question. A machine gun is mounted on a 2000 kilogram car on a horizontal frictionless surface. At some instant, the gun fires bullets of mass 10 gram with a velocity of 500 meter per second with respect to the car. The number of bullets fired per second is 10. The average thrust on the system is okay. So, सबसे पहले You need to understand thrust मतलब आपको force पूछा है. You have been asked force. मैं question समझा देता हूँ. हमारे पास एक machine gun है जो एक 2000 kg के car पे mounted है. So let's say this is a car, kind of a tank. एक tank पे mounted है, मान लेते हैं. So there is a machine gun which is mounted here on this tank. मान लो ये machine gun है. Okay? And this machine gun is continuously firing bullets. Okay, bullets fired per second is 10. Okay, velocity of each bullet is 500 meter per second. Mass of each bullet is 10 gram. So what is the average thrust? Thrust matlab force. Aapko pata hona chahiye. Thrust kaise nikalenge? Maine aapko pehle bhi bataya tha. Thrust matlab force. Force matlab dp by dt. Rate of change of momentum is force. तो force ही निकालना है हमको, right? तो dp by dt, d dt of p is mu, या फिर mu या mv जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो. You can say it is v. मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि dp मतलब change in momentum मतलब final momentum minus initial momentum तो zero था, क्योंकि initial तो fire हो नहीं रहा था, हमने fire बाद में किया है, okay? So we have fired this, we have started firing bullets. So velocity constant hai yahan pe, kyunki inhe aisa nahi bola hai ki velocity will decrease. So velocity constant hai. So thrust is equal to V, V constant bahar nikal diya, dm by dt aa gaya. Dm by dt main kyun likh sakta hu? क्योंकि यहाँ पे मास चेंज होगा. मास क्यों चेंज होगा? क्योंकि जैसे जैसे बुलेट्स फायर हो रहे हैं तो सिस्टम से मतलब कार से मास कम होते जा रहा है, इसलिए हम dm by dt लिख सकते हैं. नॉर्मली देखो डिफरेंस क्या है, जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है, उस केस में फोर्स होता है dp by dt. dp by dt हम यहाँ पे कभी भी अगर हम p की जगह पे m into v डालते भी हैं तो हम m को कांस्टेंट बोल के बाहर निकालते हैं. व्हाई डू वी डू दिस? क्योंकि उस केस में सिंगल ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है. ऑब्जेक्ट मूव होगा तो उसका मास कम नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास जो सिस्टम है वो कार, कार के ऊपर मशीन गन और बुलेट सब मिला के सिस्टम है. तो जैसे जैसे बुलेट्स फायर होंगे तो उस कार का मास कम होगा. मास कम होगा इसलिए dm by dt जीरो नहीं होने वाला है ना. तो मास इज रिड्यूसिंग. तो दिस इज थ्रस्ट, ये है फोर्स. नाउ तो हमको अगर थ्रस्ट निकालना है मतलब फोर्स निकालना है तो dm by dt हमको फाइंड करना है. ओके, dm by dt हमको फाइंड करना है. तो dm by dt कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट इज dm by dt? मैंने जैसे बताया कि बुलेट्स आर बीइंग फायर्ड है ना, तो बुलेट्स जितने जितने कम होते जाएंगे गाड़ी से पर सेकेंड, दैट इज dm by dt. सो दैट इज मास, मास थ्रोन बाय गन पर सेकेंड, बाय गन पर सेकेंड. ओके, एंड दिस इज हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ मच इज द मास. अब मान लो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं. आई एम कैरिंग बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, हर एक चॉकलेट एक ग्राम का है ना. आई एम कैरिंग अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, हर एक चॉकलेट एक ग्राम का. मैं एक सेकेंड में 10 चॉकलेट्स बाहर फेंक रहा हूं तो मास कितना कम हो रहा है? 10 ग्राम.
तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ चॉकलेट्स थ्रोन पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स थ्रोन पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच बुलेट, ऐसा कर लिया। तो दिस गिव्स मी कि एक सेकेंड में सिस्टम का मास कितना कम हो रहा है। सिंपल लॉजिक है, 10 ग्राम का एक बुलेट और एक सेकेंड में आप 10 बुलेट बाहर फेंक रहे हो, तो टोटल मास दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड पर सेकेंड इज नंबर ऑफ बुलेट्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच बुलेट। नंबर ऑफ बुलेट्स 10 और मास ऑफ ईच बुलेट इज 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू 10^-1 किलोग्राम पर सेकेंड। तो इतना मास कम हो रहा है पर सेकेंड। ओके, तो थ्रस्ट कैसे आएगा, थ्रस्ट आएगा वी डी एम बाई डी टी। वी क्या है 500, डी एम बाई डी टी क्या है 10^-1, मतलब 50 न्यूटन थ्रस्ट इज देयर। आई एम गोइंग टू रिपीट क्वेश्चन अगेन, सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमारे पास एक कार है, कार के ऊपर मशीन गन माउंट किया गया है, कार का वेट है, मास है 200 किलोग्राम, एंड द मशीन गन विच इज माउंटेड ऑन दिस कार इज फायरिंग बुलेट 10 बुलेट्स पर सेकेंड। ओके, मास ऑफ ईच बुलेट इज 10 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट इज 500 मीटर पर सेकेंड। थ्रस्ट बोला है आपको, व्हाट इज द टोटल थ्रस्ट, थ्रस्ट क्यों, बुलेट फायर कर रहे हो, एक्शन, उसका रिएक्शन होने वाला है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी और मशीन गन के ऊपर। तो थ्रस्ट मतलब क्या होता है, डीपी बाई डी टी। पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो बुलेट का कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर रखा। मास चेंज हो रहा है, मास क्यों चेंज हो रहा है, कि ओवरऑल सिस्टम से मास रिड्यूस हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, जैसे जैसे बुलेट्स फायर होंगे वैसे वैसे मास उस कार पे कम होता जाएगा, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं वी डी एम बाई डी टी। हाउ डू यू फाइंड आउट डी एम बाई डी टी, एक सेकेंड में कितना मास कम हुआ, तो मास ऑफ ईच बुलेट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। तो आपको मिल गया डी एम बाई डी टी 10^-1 किलोग्राम पर सेकेंड। देन थ्रस्ट इज जस्ट वी डी एम बाई डी टी, तो यू कैन मल्टीप्लाई एंड यू गेट 50 न्यूटन थ्रस्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5000 किलोग्राम रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। तो हमारे पास एक रॉकेट है विच इज रेडी टू गो अप वर्टिकल फायरिंग के लिए, वो रेडी है अब। ओके, सो इट इज इन द माउंटेड पोजिशन। द एग्जॉस्ट स्पीड, मतलब यहाँ से जो गैसेज बाहर निकलेंगे उसको एग्जॉस्ट स्पीड बोलते हैं। एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी, कितना गैस पर सेकेंड बाहर निकलना चाहिए टू प्रोवाइड द नीडेड थ्रस्ट। मतलब डी एम बाई डी टी आपको पूछा है इन शॉर्ट। राइट, नाउ द थिंग इज, हमने अभी अभी लिखा, आई जस्ट टोल्ड यू दैट थ्रस्ट इज फोर्स, फोर्स इज अभी अभी लिखा हमने वी डी एम बाई डी टी। राइट, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जब हमने थ्योरी सीखा था तो जो गैस बाहर आ रही है, गैस का वेलोसिटी को हमने बोला था यू और रॉकेट की वेलोसिटी को हमने बोला था वी। ओके, दैट इज द ओनली थिंग, है ना। तो यहाँ पे यू क्यों लिखा है, ये यू इनिशियल स्पीड नहीं है, ये यू गैस का स्पीड है, क्योंकि गैस बाहर आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रॉकेट जा रहा है अपवर्ड। राइट, और हमको पता है, मैंने आपको पहले जब हम थ्योरी कर रहे थे मैंने आपको बताया था, जब भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका नेट एक्सेलरेशन होता है जी प्लस ए, अगर नीचे आ रहा है तो जी माइनस ए, ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए। ओके गुड, देन फोर्स है तो फोर्स के लिए मास तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, 5000 किलोग्राम का रॉकेट है जो वर्टिकल फायरिंग के लिए रेडी है, एग्जॉस्ट स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड है, एग्जॉस्ट मतलब गैस जो बाहर आ रहे हैं उसका स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड है, हमको इनिशियल एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चाहिए। तो जो गैस इजेक्ट हो रहा है पर सेकेंड, है ना,
वो कितना होना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन रेडी है, हमको dm by dt फाइंड करना है। तो इफ आई यूज दिस मच तो वी कैन सॉल्व दिस dm by dt इक्वल टू m g प्लस a by u। ओके, तो m m इज मास, मास इज 5000 मतलब 5 × 10³। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, प्लस a, a 20 बोला है आपको, सी लुक हियर, a इज 20, देन अपॉन u, u इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ, एग्जॉस्ट गैस का स्पीड है 800, 8 × 10³। तो यह जाएगा आपका 5 × 10³ इंटू 30 अपॉन 8 × 10² राइट। तो कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। हाउ कम, तो ये आ गया 15 क्योंकि 5 × 3 इज 15 है ना, तो ये 5 और ये 3 15 आ गया, ये एक जीरो जो है वो 10 के पावर में जाएगा, तो 15 × 10⁴ और नीचे से जो 10² है वो ऊपर आएगा माइनस और ये 8 राइट। तो अब इट इज 15/8, 15/8 आपको पता होना चाहिए, 15/8 इज स्लाइटली लेस देन 2 मतलब 1.875 आता है ये, इंटू 10² मतलब ये आ गया 187.5 किलोग्राम पर सेकेंड। एक सेकेंड में 187 किलोग्राम मास कम होना चाहिए, 187.5 किलोग्राम राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओनली थिंग इज यू नीड टू नो दैट जब भी बॉडी ऊपर जाती है फोर्स इज एम जी प्लस ए, लेकिन रॉकेट के लिए फोर्स इज यू डी एम बाई डी टी, तो यू डी एम बाई डी टी इक्वल टू एम जी प्लस ए आपको इक्वेट करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड द एंटायर सिस्टम इज फॉलिंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको एक 10 ग्राम का मास अटैच है, ये पूरा सिस्टम नीचे फॉल हो रहा है with an acceleration a equal to 400 centimeter per second square, what is the tension in the string? Tension मतलब force, और मैंने आपको बताया था कि net force tension हमने solve भी किया है, mass into acceleration, लेकिन system जब नीचे आ रहा है, downward acceleration के लिए आप हमेशा g minus a लिखते हो। ये सारे tricks मैंने आपको theory में बताए थे, जब सिस्टम ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए, जब सिस्टम नीचे आ रहा है तो जी माइनस ए राइट। अगर इफ यू नो दिस सिंपल क्वेश्चन, और वैसे एवरीथिंग इज इन सीजीएस सिस्टम, आंसर भी सीजीएस में है, तो डू नॉट कन्वर्ट। तो मास, मास इज 10 ग्राम, जी इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए इज 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाइड बाई 980 माइनस 400 इज 580, तो 5800 टाइम्स ऑफ टेंशन विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्मी व्हीकल ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड and is acted upon by a force of 1000 newton. तो हमारे पास एक आर्मी व्हीकल है जिसका मास 1000 kg है, is moving with velocity of 10 meter per second और उस पे एक forward force लग रहा है 1000 newton का due to an engine, और एक retarding force लग रहा है 500 newton का due to friction. What will be the velocity after 10 seconds? मैं question समझा देता हूँ। हमारे पास एक आर्मी व्हीकल है, सो लेट्स टेक दैट, लेट्स से दिस इज दैट आर्मी व्हीकल। इस आर्मी व्हीकल का वेट आपको, मास आपको दिया है 1000 kg, इस पे इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस पे एक फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है ऑफ 1000 न्यूटन ड्यू टू इंजन, और क्योंकि टायर और रोड सरफेस में फ्रिक्शन है
तो उसपे एक रिटार्डिंग फोर्स मतलब अपोजिंग फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन का। आपको पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड मोशन इन 1D। मैंने आपको बताया था कि मोशन ऑन 1D, मोशन इन 1D और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में व्हाट इज द डिफरेंस। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग मोशन का कॉज मतलब फोर्स की बात करते हैं। मोशन इन 1D में हम बोलते हैं कि एक्सीलरेशन है, जहां से आया आया, वी डोंट केयर। ओके, तो इफ यू रिमेंबर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड आउट ए, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल दिया हुआ है, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए। ए क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम टी। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू यू इनिशियल प्लस एफ नेट। एफ नेट मतलब फॉरवर्ड फोर्स, है ना, जो फोर्स मैं इसको बोलता हूँ फॉरवर्ड फोर्स एफ एफ, इसको मैं बोलता हूँ रिटार्डिंग फोर्स एफ आर, जो अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया फॉरवर्ड फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स, मतलब जो फोर्स मोशन प्रोड्यूस कर रहा है और जो मोशन को स्टॉप कर रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय मास इनटू टाइम टी। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वाज 10 प्लस फॉरवर्ड फोर्स इज 1000 न्यूटन, रिटार्डिंग फोर्स इज 500 न्यूटन अपॉन मास इज 1000 इंटू टाइम 10 सेकेंड के बाद पूछा है, तो इंटू 10, तो ये आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू 10 प्लस 500 बाय 1000 इंटू 10, 1 जा 2 जा 1 जा 5 जा, तो 15 मीटर पर सेकेंड विल बी द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, v इक्वल टू यू प्लस 80, a इज नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स इज फॉरवर्ड फोर्स माइनस opposing force or the retarding force, that's it, then you substitute values and solve. Next question, a rocket is ejecting 50 gram of gases per second, matlab dm by dt is 50 gram per second, matlab 50 into 10 power minus 3 kilogram per second, matlab ye aa jayega 5 into 10 power minus 2 basically kg per second। एट द स्पीड ऑफ, गैस का स्पीड दिया है 500 × 10^2 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेटिंग फोर्स विल बी, दिस इज जोक क्योंकि हमको पता है फोर्स मतलब थ्रस्ट, दैट इज यू डी एम बाई डी टी, तो कुछ भी नहीं करना है, यू की वैल्यू डालनी है 500 × 10^2 और डी एम बाई डी टी डालना है 500 × 10^-2, तो 10^+2 − 2 कैंसल, 25 न्यूटन का है accelerating force, khatam. Since this question is easy, I'm not going to give you time to write it down. It's a simple thing. Next question. A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination. Toh wedge kya hota hai, pehle wo samajh lo. Wedge is nothing but inclined plane. Isko hum log bolte hain wedge. ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। तो ये पूरे सिस्टम को हमने एक सॉरी एक्सेलरेशन दिया है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। आई हैव नॉट शोन ब्लॉक, तो मुझे ब्लॉक दिखाने दो पहले। सो देयर वाज अ ब्लॉक व्हिच वाज प्लेस्ड हियर, यहाँ पे एक ब्लॉक था जिसका मास m था। इस पूरे सिस्टम को हमने एक एक्सेलरेशन दिया है b। मैं b क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने थ्योरी में ये करवाया है। सो थ्योरी में ऑलरेडी हमने इसके इक्वेशंस देखे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू नो इक्वेशंस, दैट यू रिमेम्बर इक्वेशंस। तो सच दैट ये जो एक्सेलरेशन है ये ऐसा है कि जो ब्लॉक है वो मूव नहीं हो रहा, राइट। फिर आपको पूछा है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक इज, तो इफ यू रिमेंबर गुड, इफ यू डोंट रिमेंबर इट्स ओके, वी विल रिवाइज नाउ। मैंने आपको बताया था कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम
ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? एक है डाउनवर्ड फोर्स mg, व्हिच इज ओवर हियर, राइट? देन इसके बाद हमने देखा था नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड इट पासेस समथिंग लाइक दिस. तो ये आपका आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, जो भी नाम दोगे आर बोल देंगे इसको. नाउ वी नो कि ये एंगल था थीटा, तो mg के कंपोनेंट हो सकते हैं, ये आ जाएगा mg cos थीटा और यहां पे एक फोर्स जाएगा, कंपोनेंट जाएगा mg sin थीटा. mg sin थीटा. अब ये तो हो गया mg नॉर्मल रिएक्शन. अब ये जो हम एक्सिलरेट कर रहे हैं पूरे ब्लॉक को, एक्सिलरेट कर रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक्शन है. एक्शन का रिएक्शन मैंने आपको बताया था, एक्शन का रिएक्शन होगा यहां पे. और इसके भी हम लोग कंपोनेंट करने वाले हैं. ओके, सो यू नीड टू नो कि इसका कंपोनेंट कैसे होगा. इसका एक कंपोनेंट यहां जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहां आएगा, समथिंग लाइक दिस. सो ये जो कंपोनेंट है, दिस इज बेसिकली फोर्स. तो ये है एम बी फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन. अब यू नो कि ये एंगल थीटा है, अगर तो ये एंगल यहां पे ये भी थीटा आता है. ओके, तो ये आ गया एम बी कॉस थीटा और ये जो कंपोनेंट है ये आ गया एम बी साइन थीटा, राइट? हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन वापस से समझ लो. एक ब्लॉक है जो एक स्मूथ वेज पे, स्मूथ मतलब वहां पे फ्रिक्शन नहीं है और उस वेज का इंक्लिनेशन है थीटा. हमने पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करवा रहे हैं सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लीप. ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, ब्लॉक रेस्ट पे है. तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है, बाय द वेज. अभी आप चेयर पे बैठे हो तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेयर ऑन यू इज नॉर्मल रिएक्शन. मतलब ये लोग इन शॉर्ट आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहे हैं. तो व्हाट डू यू सी फ्रॉम डायग्राम, नॉर्मल रिएक्शन आर इज बैलेंस्ड बाय एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस, दिस एम जी ये यहां पे था. ओके, राइट? ये जो आपका mg cos theta है वो ये है और mg cos theta के डायरेक्शन में mb sin theta भी है. mg cos theta और mb sin theta के अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन है. गुड, देन नाउ सिंस ओवरऑल ब्लॉक इज नॉट मूविंग, है ना, ऐसा बोला है कि ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, ऐसा बोला है, क्लियर कट बोला है, ब्लॉक डज नॉट स्लिप. सो सिंस the block does not slip, इसका मतलब upward force mb cos theta और downward force mg sin theta ये balanced होंगे. So mg sin theta will be equal to mb cos theta. ये कहां से आया, क्योंकि block rest पे है. इसका मतलब उस वेज पे ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे के डायरेक्शन में फोर्सेस आर गेटिंग बैलेंस्ड. एमएम कैंसिल. फिर आपको मिल जाएगा यहां से, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज बी हियर. तो आपको मिल जाएगा बी इक्वल टू जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब बी इक्वल टू जी टैन थीटा, राइट? तो आपको बी मिल गया. हमको नॉर्मल रिएक्शन पूछा था, राइट? फिर मैंने बी क्यों निकाला, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन में बी है, इसलिए मुझे वो बी फाइंड करना पड़ा.
तो देयर फोर इक्वेशन वन इक्वेशन टू सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर वन व्हाट वी गेट इज आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी बट बी इज जी टैन थीटा इंटू साइन थीटा राइट गुड देन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा mg कॉमन आ गया cos थीटा प्लस tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा और इनटू sin थीटा फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे mg cos इनटू cos इज cos स्क्वायर थीटा sin इनटू sin इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा बट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 तो आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा mg अपॉन cos थीटा ऑप्शन नंबर डी आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन एक वेज है स्मूथ वेज है फ्रिक्शन नहीं है उस पर ब्लॉक रखा हुआ है हम पूरे सिस्टम को एक्सीलरेट करवा रहे हैं सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव जो ब्लॉक है वो मूव नहीं होगा राइट तो हमने सबसे पहले फोर्सेस के कंपोनेंट्स देख लिए हमने ये देखा कि नॉर्मल रिएक्शन जो है इट इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा प्लस mb sin थीटा बट क्योंकि ब्लॉक वेज पे ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस्ड होगा मतलब mg sin थीटा और mb cos थीटा इक्वल होंगे मतलब हमको b इक्वल टू g tan थीटा मिलने वाला है वो सॉल्व करने के बाद तो ये b इक्वल टू g tan थीटा हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया सिंपलीफाई कर लिया एंड वी गेट mg अपॉन cos थीटा नेक्स्ट क्वेश्चन द एडजेसेंट फिगर इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टल नेट सेक्शन AB इज स्ट्रेच्ड विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन The tension in the section BC and BF is मतलब आपको फोकस करना है जस्ट हियर BC, BF और AB इस सेक्शन पे यू आर सपोज टू फोकस हियर तो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं BC, BF and A तो एक्चुअली दिस इज A very simple question. It is a joke actually. अगर आपको vectors याद है तो vectors में अगर आपको Lami's theorem याद है तो Lami's formula, Lami's theorem नहीं याद है तो बता देता हूं मैं No issues. देखो अगर ये angle F है और ये F bar vector है ये angle C है और ये C bar vector है और ये एंगल ए है और ये ए बार वेक्टर है तो अकॉर्डिंग टू लांगीज थ्योरम एफ अपॉन साइन एफ वेक्टर अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू ए अपॉन साइन ए ऐसा आता है ये राइट दिस इज लांगीज थ्योरम नाउ हमको भी यही यूज करना है वापस से क्वेश्चन में क्या बोला है अभी इफ यू लुक एट द क्वेश्चन डायग्राम में ये एंगल आपको दिया है 120 ये एंगल आपको दिया है 120 तो ये एंगल तो 120 ही आएगा क्योंकि टोटल तो 1360 आना चाहिए उसमें से आपको बोला है सेक्शन ए बी इज स्ट्रेच्ड स्ट्रेच मतलब मैं नीचे खींच रहा हूं 10 न्यूटन के फोर्स से तो यहां पे और यहाँ पे क्या फोर्स आएगा ये भी 10 और 10 न्यूटन ही आएंगे क्यों बिकॉज यूजिंग लामीज थ्योरम वी कैन राइट बी एफ मतलब ये वेक्टर दिस वेक्टर अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल मतलब साइन ऑफ 120 इक्वल टू बी सी अपॉन साइन ऑफ 120 इक्वल टू ए बी अपॉन साइन ऑफ 120 मतलब इन शॉर्ट
BF is equal to BC is equal to AB. Good. हमको AB पता है 10, तो BC 10 और BF 10, तो 10 and 10. Option number C. Simple question था, just Lamy's theorem apply करना था. Next question. The velocity of a body at t equal to 0, मतलब initial velocity is 10 root 2 meter per second in north east direction, okay, and it is moving with an acceleration of 2 meter per second square directed towards south. मतलब velocity का direction north east है and acceleration is towards south, okay, ठीक है, देखते हैं. The magnitude and direction of velocity of the body after 5 seconds will be. तो सबसे पहले you need to exactly understand the question. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, I will show you directions. तो यहां पे this is east, this is west, this is north, this is south. The velocity of a body at t equal to 0 is 10 root 2 meter per second. So, velocity of body is 10 root 2 meter per second in northeast direction. मतलब यहाँ पे northeast direction मतलब ये होता है. Okay, so it is like this, something like this. मान लो, right? Good. What I expect from you is इसका मैग्नीट्यूड 10 रूट 2 है, तो आपको इमीडिएटली समझना था, पढ़ते से ही समझना था कि इसमें फिर जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है बाय द वे यू है, तो ये यू वाई है, ये आएगा 10 और यू एक्स भी आएगा 10. नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं कैसे. वो ऐसे नॉर्थ ईस्ट मेक्स 45 विथ ईस्ट एंड 45 विथ नॉर्थ, ऐसे राइट. और अगर आपको याद है, वेक्टर्स याद है, तो ये कंपोनेंट होता है यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, और ये कंपोनेंट होता है यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा. तो हमारे पास यू वाई इक्वल टू यू साइन 45 है ना, साइन 45, दैट इज यू कितना दिया है 10 रूट 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, कैंसिल मतलब 10. तो इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन पढ़ते से आपको समझना चाहिए कि जब 10 रूट 2 बोला है तो x कंपोनेंट 10, y कंपोनेंट 10. अगर 5 रूट 2 बोला है तो x कंपोनेंट 5, y कंपोनेंट 5. 3 रूट 2 बोला है तो x कंपोनेंट 3, y कंपोनेंट 3. यू शुड बी एट दिस लेवल नाउ, राइट. तो यू एक्स यू वाई दिया है. तो डू यू रिमेम्बर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप. यू एक्स तो 10 है, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, मतलब जो 10 रूट 2 मुझे दिया था मैग्नीट्यूड में, मैंने उस 10 रूट 2 को लिख लिया वेक्टर फॉर्म में. वो आया 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप. आगे क्या बोला था, दिस बॉडी इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्टेड टूवर्ड साउथ. साउथ मतलब ये नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है. साउथ मतलब नीचे, नीचे मतलब माइनस वाई, मतलब माइनस जे कैप, राइट. सिंस ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड साउथ, हम लिख सकते हैं ए बार एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में एज माइनस टू जे कैप. माइनस क्यों लिखा, क्योंकि टूवर्ड साउथ मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, इसलिए लिखा. तो हमारे पास अभी यू बार है, हमारे पास ए बार है, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब टाइम भी बोला है 5 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो वी बार इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी। यू बार इज 10 i कैप प्लस 10 j कैप, ए बार इज -2 j कैप इंटू टाइम इज 5, मतलब ये आ गया 10 i कैप प्लस 10 j कैप -10 j कैप, कैंसल कैंसल, तो फाइनल वेलोसिटी इज 10 i कैप। आई कैप मतलब ईस्ट डायरेक्शन है, तो आई कैप मतलब ईस्ट डायरेक्शन है, और जे कैप मतलब नॉर्थ डायरेक्शन है, तो फाइनल वेलोसिटी इज 10 m/s टुवर्ड्स ईस्ट, 10 m/s टुवर्ड्स ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया था, हमने उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, गुड। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकाल लिए, और यू विच वाज 10 √2 m/s हमने उसको लिखा, यू बार इक्वल टू 10 i कैप प्लस 10 j कैप। ए हमारे पास बोला है 2 m/s² टुवर्ड साउथ, तो -2 j कैप आया। टी 5 सेकेंड है, तो वी बार इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी, ऐसा करके सॉल्व कर लिया हमने। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे, वी विल कंटिन्यू विद मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन।